सामूहिक धर्मांतरण मामले में विदेशों से फंडिंग की जांच में जुटी पुलिस ने प्रयागराज नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर समेत 4 को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। पुलिस का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता है। चर्च में फंडिंग बाहरी संस्थाएं करती रही हैं। उन संस्थाओं के तार विदेशों से जुड़े हैं। मिशन के तहत जिले और दूसरे जिलों के कई चर्चों पर धर्मांतरण का काम किया गया है। मिशनरी के लोगों का कहना है कि पुलिस एक भी धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को अभी तक सामने नहीं ला सकी है। हरिहरगंज स्थित इवेजिकल चर्च में 15 अप्रैल को सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया था। प्रकरण में पुलिस ने 36 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की थी। मामले में हरिहरगंज चर्च के पादरी समेत 15 लोग जेल जा चुके हैं। कुछ और लोगों के नाम पर भी प्रकाश में आए हैं। 3 को छोड़कर सारे आरोपी जमानत पर हैं। कोतवाल विवेचक अमित मिश्रा ने बताया कि धर्मांतरण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रलोभन दिया है। इस काम में बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। चर्च संबंधी बैंक खातों और अन्य जांच की गई। चर्च की संस्था में फंडिंग की बात सामने आई है। फंडिंग की जांच में प्रयागराज के नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर विनोद बिलाल, वाइस चांसलर RB लाल, प्रयागराज बाइबल सेरेमनी बेली अस्पताल के पास रहने वाले बिस्प मिस्टर पॉल, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सियाच KJT आलिवा को नोटिस भेजकर 29 दिसंबर को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। विवेचक के मुताबिक इनके खातों में लंदन से रुपये आए हैं। इन्होंने चर्च की संस्था को रुपये दिए हैं। फंडिंग की पड़ताल के लिए नोटिस जारी किया है। बयान में लेन देन समेत संस्था के बारे जानकारी जुटाई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। बयान के लिए हाजिर नहीं होने पर अग्रिम कार्रवाई होगी। प्रकरण की जांच ATS आतंकवाद विरोधी दस्ता की निगरानी में की जा रही है। ATS बीते 2 माह में 2 बार प्रकरण की जांच में आ चुकी है। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में फंडिंग का मामला सामने आने पर ही ATS ने निगरानी चालू की है।